Hi you guys, welcome back to my channel. I'm back with yet another Meesho haul. मेरे बालों को आज थोड़ा सा ignore कर दीजिएगा because मैंने कल किए थे but इस humid weather में ना पूरे बालों की band बच गई है, चिड़िया का घोंसला बन गया है ये and मुझ पर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको again curl करूँ या फिर straight करूँ, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया. आप थोड़ा सा ignore कर दीजिएगा. अब बात करते हैं आज के video की. तो आप लोगों ने मुझसे request किया था कि मैं आपके साथ short kurtis का haul share करूँ and Meesho में इतनी सही अफोर्डेबल प्राइस में कुर्तीज मिल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वहीं से ऑर्डर करते हैं. एंड ये वाला हॉल भी आई थिंक जो भी मैंने कुर्तीज ऑर्डर की है ना सभी बिलो 400 की रेंज में है एंड क्वालिटी वाइज तो दे आर सुपर्ब. इससे पहले भी मैंने आपके साथ जो शॉर्ट कुर्तीज का हॉल शेयर किया था ना वो भी बहुत ज्यादा अच्छी थी. अगर आपने वो चेक नहीं किया है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, चेक कर लेना. आज की कुर्ती भी काफी ज्यादा अमेजिंग है. तो अब बिना देरी किए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एंड जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं विद दिस फर्स्ट कुर्ती एंड आई लव दिस कुर्ती बिकॉज ऑफ दिस कलर. इट्स इन वाइट कलर एंड वाइट कलर की शॉर्ट कुर्तीज ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कॉलेज एंड ऑफिस के लिए. अगर आपको एक अच्छी कॉटन कुर्ती की रिक्वायरमेंट है यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन. लुक एट दिस ओवरऑल कुर्ती, इट्स इन पैपलम स्टाइल. इसमें नेक आपको मैंड्रिन कॉलर में मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको इस टाइप से कट दिया हुआ है वी शेप में. नीचे साइड में ना इसमें आपको इस टाइप से बटन डिटेलिंग मिल जाती है एंड ओवरऑल कुछ इस टाइप से इसका लुक है. इसकी स्लीव्स बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है एंड इसका जो ओवरऑल लुक है ना पूरी स्लीव्स के कारण ही इन्हेंस हो रहा है. स्लीव्स इसकी 3/4 लेंथ में है एंड आपको ऑल ओवर दी स्लीव्स इस टाइप से ना फ्लोरल प्रिंट मिल जाता है ब्लू कलर से. सो इमेज में ना इन्होंने जो कलर दिखाया था वो था लाइट ब्लू के शेड में, बट इस कुर्ती में आपको डार्क ब्लू कलर से प्रिंट मिलता है तो थोड़ा सा कलर में चेंजेस है. बट मुझे ये वाली कुर्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है तो मैं इसको भी इग्नोर कर सकती हूँ. पीछे साइड से ये पूरी प्लेन है, इट्स इन कॉटन मटेरियल, अभी के वेदर के लिए एकदम परफेक्ट है. साइज मैंने अपना इसमें स्मॉल ऑर्डर किया है एंड फिटिंग वाइज भी एकदम परफेक्ट है. इस टाइप की ना सेम कुर्ती मैंने वेस्ट साइड में देखी थी, सेम मटेरियल, बट उसका प्राइस आई थिंक समथिंग कुछ 799 था. बट ये कुर्ती मैंने ऑर्डर की है ओनली 375 रुपीज में. सो प्राइस वाइज तो इट्स अ ग्रेट डील ऑफ मीशो एंड यू वॉन्ट बिलीव गाइज कि इसका मटेरियल इतना ज्यादा सॉफ्ट है ना कि आपको मजा आ जाएगा इसको स्टाइल करने में. बस एक ही प्रॉब्लम है क्योंकि ये व्हाइट कलर में है तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है, आपको इसके अंदर लाइनिंग कैरी करनी पड़ेगी. अदर देन दैट सब कुछ अच्छा है, आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं, मेरे साइड से तो 10/10 है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ती. सो ये वाली कुर्ती भी ना काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है गाइज. स्टाइल करने के बाद इसका भी लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था. यू कैन सी इट्स इन वाइट एंड पिंक कलर एंड ऑल ओवर दी कुर्ती आपको इस टाइप से प्रिंट मिल जाता है. इसका नेक आपको राउंड शेप में मिलता है एंड आपको ऐसा कट दिया हुआ है इसमें. स्लीव इसकी 3/4 लेंथ में है. फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से इसमें सेम ही प्रिंट किया हुआ है. नीचे साइड से इसमें ना आपको ऐसा स्लिट भी दिया हुआ है. सो ये कुर्ती भी एकदम परफेक्ट है कॉलेज एंड ऑफिस के लिए भी. मटेरियल इसका है 100% कॉटन. साइज मैंने अपना इसमें स्मॉल ऑर्डर किया है. अगर आपको कॉलेज के लिए कोई कुर्ती की रिक्वायरमेंट है ना आप जरूर इसे भी ट्राई कर सकते हैं, अभी के वेदर के लिए भी एकदम परफेक्ट है. प्राइस इसका बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, ओनली इन 281 रुपीज में मैंने इसको ऑर्डर किया है गाइस, आप इसे भी जरूर ट्राई कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ती. तो ये वाली कुर्ती भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट इमेज में ये जैसी दिख रही थी उससे इसका कलर थोड़ा सा अलग है. मैं साइड में इमेज इंसर्ट कर दूंगी जो मीशो ने दिखाया था, उसमें ना ये ग्रे कलर में दिख रही थी बट मुझे जो रिसीव हुई है वो है इस टाइप से येलो एंड ब्लू कलर में, आप देख सकते हैं. तो थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट जरूर फील हुआ बिकॉज मैंने इसको ना इसके कलर के कारण ही ऑर्डर किया था. प्रिंट भी एकदम वही है, बस कलर में ही थोड़ा सा चेंजेस है. आप देख सकते हैं इसमें नेक आपको ना इस टाइप से स्क्वायर शेप में मिल जाता है एंड नेक के जस्ट साइड से इस टाइप से आपको स्टाइलिंग मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको स्ट्रिंग भी दी हुई है जिससे आप इसको लूज एंड टाइट कर सकते हैं. ओवरऑल इसका जो लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. ये कुर्ती भी आपको पैपलम स्टाइल में मिल जाती है. स्लीव इसकी 3/4 है एंड स्लीव्स के एंड में भी आपको इस टाइप से डिफरेंट प्रिंट मिल जाता है. फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से इसमें सेम प्रिंट ही किया हुआ है. पहनने के बाद इसका लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था. मैंने इन सभी कुर्तीज को वाइड लेग जीन्स के साथ ट्राई किया था, आप साइड में ट्राई ऑन पार्ट में देख सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये वाली भी स्टाइल करने के बाद. मटेरियल इसका कॉटन है. साइज मैंने अपना इसमें स्मॉल ऑर्डर किया है. फिटिंग वाइज ये भी
एकदम परफेक्ट है एंड प्राइस इसके लिए मैंने ओनली 332 रुपीज पे किया है। सो प्राइस वाइज ये भी काफी ज्यादा अच्छी है, आप ट्राई कर सकते हैं। बट कलर ना इसमें आपको चेंज ही मिलेगा, बिकॉज मैंने कुछ रिव्यूज भी देखे थे उसमें भी मेंशन था कि कलर चेंज आ रहा था, बट मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करते हैं। तो अगर आपको ये कलर अच्छा लग रहा हो तो ही आप इसे ट्राई करिएगा। Now moving on to the next kurti, so it's in blue, grey and maroon color. You can see बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सी कुर्ती है, ये पूरी फ्लोरल कुर्ती है, आप देख सकते हैं ऑल ओवर दी कुर्ती आपको इस टाइप से फ्लोरल प्रिंट मिल जाता है। इट्स ऑल्सो अ पेपलम स्टाइल कुर्ती, इसमें आपको नेक मिलता है वी शेप में एंड इसमें नेक में ना आपको इस टाइप से स्टाइलिंग मिल जाती है, आप देख सकते हैं। स्लीव्स इसकी है 3/4 एंड स्लीव्स के एंड में भी आपको वही स्टाइलिंग मिल जाती है एंड देन नीचे साइड से इसमें इस टाइप से फ्लेयर दिया हुआ है, बैक साइड से इसमें सेम वही फ्लोरल प्रिंट किया हुआ है। सो ये वाली कुर्ती भी ना स्टाइल करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बट इसके मटेरियल से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वहाँ पे मेंशन था कि ये कॉटन मटेरियल में है आई थिंक, बट मुझे जो रिसीव हुई है ना उसका मटेरियल मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ये ना कुछ मिक्स टाइप है, पॉलिएस्टर तो ज़रूर इसमें मिक्स है, तो ये ना उतना कंफर्टेबल नहीं है अभी के वेदर के लिए। एंड साइज भी ना मैंने इसमें स्मॉल ऑर्डर किया है बट ये मुझे काफी ज्यादा टाइट हो रही थी, तो अगर आपको ये ऑर्डर करना हो ना तो आप एक बड़ा साइज ही ऑर्डर करिएगा, बिकॉज मेरा जो यूजुअल साइज है वो स्मॉल है बट ये मुझे थोड़ी सी टाइट हो रही थी। एंड मटेरियल से भी ना मैं उतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बाकी लुक देखा जाए तो काफी ज्यादा अच्छा है, जैसा इमेज में था बिल्कुल वैसा ही है। इसके लिए मैंने प्राइस पे किया है 361 रुपीज, सो प्राइस वाइज ना मुझे ये थोड़ी सी हायर साइड में लगी है, बिकॉज जो प्रीवियस वाली कुर्तीज थी वो सभी कॉटन मटेरियल में थी एंड सभी बहुत ज्यादा अच्छी थी, बट इसका मटेरियल मुझे पसंद नहीं आया। बाकी लुक तो एकदम परफेक्ट है जैसा इन्होंने इमेज में दिखाया था एंड पहनने के बाद भी ना इसका लुक काफी ज्यादा अच्छा आ रहा था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ती, सो ये वाली कुर्ती भी स्टाइल करने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी एंड अभी के वेदर के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है, बिकॉज इसमें किया हुआ है पूरा फ्लोरल प्रिंट एंड अभी इतना ज़्यादा ह्यूमिड वेदर है तो इस टाइप के फ्लोरल प्रिंट ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यू कैन सी इसका नेक आपको मैंडरिन कॉलर में मिल जाता है एंड नीचे साइड से ना इसमें इस टाइप से ना गोटा पट्टी एंड स्मॉल स्मॉल से ना सीक्वेंस से भी काम किया हुआ है, आप पास से देख सकते हैं। सो ओवरऑल कुर्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये भी पेपलम स्टाइल में ही है, फ्लेयर्ड भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्लीव्स की लेंथ इसकी आपको 3/4 मिल जाती है एंड स्लीव्स के एंड में आपको ऐसा डिफरेंट प्रिंट मिल जाता है एंड यहाँ पे ना छोटी सी गोटा पट्टी की ना लेस भी लगाई हुई है, पास से आप देख सकते हैं। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से इसमें सेम प्रिंट किया हुआ है एंड ये वाला प्रिंट ना स्टाइल करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही सूदिंग सा इसका कलर है एंड इसमें जितने भी कलर्स यूज हुए हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे स्टाइल करने के बाद। इसमें मैंने अपना साइज ऑर्डर किया है एम, बिकॉज इसमें ना कोई भी स्मॉल साइज अवेलेबल नहीं था, आई थिंक एम से ही इस कुर्ती का साइज स्टार्ट था, बट एम की फिटिंग भी मुझे एकदम परफेक्ट आई है, बिल्कुल भी ऑल्ट्रेशन कराने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है एंड इस कुर्ती को भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो। मटेरियल इसका कॉटन है, अभी के वेदर के लिए एकदम परफेक्ट है एंड प्राइस वाइज भी ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, ओनली इन 297 में मैंने इसको ऑर्डर किया है। इट्स अ परफेक्ट कुर्ती फॉर कॉलेज एंड ऑफिस, आप जरूर इसे ट्राई कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल दी कुर्तीज जो मैंने मीशो से ऑर्डर की थी, सभी कुर्तीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है गाइस, सिर्फ एक का मटेरियल मुझे पसंद नहीं आया बट लुक वाइज तो सभी परफेक्ट है। अगर आपको कॉलेज एंड ऑफिस के लिए शॉर्ट कुर्तीज की रिक्वायरमेंट है आप इनमें से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मीशो से इन कुर्तीज को पिक किया था। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो गाइस तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साइड में जो घंटी है उसे प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। जितने भी प्रोडक्ट्स के कोड है लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आपको ऑर्डर करना हो वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। नाउ वी विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।